मैं मानता हूँ भगवान सबको ऐसे औलाद दे जैसे मेरे को दी। क्या बात है। मन से निकली आवाज बहुत दूर तक जाती है दोस्तों। तो कुल मिलाकर ये है कि क्या कहा इन्होंने कि जैसी औलाद मुझे दी है भगवान ऐसी सबको दे। श्याम सुंदर जी की आरती जो गावे स्वामी प्रेम गावे। हेलो दोस्तों, जगजीत चौधरी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ले गया हूँ मुरथल में एसके पार्क ब्लू। ये पार्क ब्लू होटल रेस्टोरेंट है और यह मैं आया हूँ, क्यों आया हूँ ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बहुत ही एक नेक उद्देश्य है। और पहले मैं आपको यहाँ के हरियाणा की एक टैगलाइन सुनाना चाह रहा हूँ, देशों में देश हरियाणा, जहाँ दूध दही का खाना, यहाँ खिलाड़ी हैं बहुत ज़्यादा और खाना है सीधा बोड़ा भाड़ा, इंसान है यहाँ का बोड़ा भाड़ा। दोस्तों कुल मिलाकर के मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आज जिस नेक उद्देश्य से हम आए हैं यहाँ पर, श्री जय प्रकाश जी जो कि पुठर से हैं, तहसील इसराना है और डिस्ट्रिक्ट पानीपत से हैं, दोस्तों आज उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। उनकी दो बेटों के द्वारा। अगर आप उन्हें आज के कलयुग के श्रवण कुमार भी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आज हमारे हरियाणा, NCR और पूरे भारतवर्ष में बुज़ुर्गों के प्रति जो घटनाएं सुनने में आती हैं वो काफ़ी दर्दनाक होती हैं, कि अपने बुज़ुर्गों को उनकी प्रॉपर्टीज लेके छोड़ देते हैं, उनका पैसा अपने नाम करा के छोड़ देते हैं। लेकिन अनिल खंगस और संदीप खंगस, ये दो बच्चे ऐसे हैं जो कि इतने प्यारे बच्चे हैं, आज अपने पिताजी का इस पार्क प्रीमियम होटल में जन्मदिन मना रहे हैं। तो इन युवाओं का हमें धन्यवाद करना चाहिए और इनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि ये और लोगों को भी देखना चाहिए कि काफ़ी लोग इन चीज़ों से शिक्षा लेंगे और ये बहुत ज़रूरी है। हम युवाओं को काफ़ी शिक्षा लेनी चाहिए। तो दोस्तों अब मैं आपको उनसे मिलाऊंगा, मैं आपको जयप्रकाश जी से मिलाऊंगा, मैं आपको अनिल कुमार उनके बेटे से मिलाऊंगा, मैं आपको संदीप से मिलाऊंगा। तो आपको मैं अभी मिला रहा हूं जाके, और प्लस यहाँ का जो खाना है, यहाँ का जो एम्बियंस है वो भी दिखाऊंगा। और बाकी रिश्तेदार आए हुए हैं यहाँ पे, बड़ा हल्ला गुल्ला मच रहा है, तो चलिए उनके सबके साथ हम एंजॉय करते हैं और मिलते हैं श्री जयप्रकाश जी मास्टर जी से। आइए जल्दी आइए मेरे साथ, आइए। दिलावर जी नमस्कार, आपका जगजीत चौधरी ब्लॉग में स्वागत है। सर मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आज के इस युग में जब बुज़ुर्गों की स्थिति NCR में, दिल्ली में, ऑल ओवर इंडिया में ज़्यादा अच्छी नहीं है, वृद्धाश्रम भी जगह जगह बने हुए हैं,
तो ऐसे में सर आज जयप्रकाश जी का 75वां जन्मदिन मनाया जा रहा है और उनके जो बेटे हैं दोनों अनिल जी, अनिल गंगस जी और संदीप गंगस जी, तो आज उनको अगर आप कलयुग का शरण कुमार अगर कहें तो मेरे ख्याल में अतिशोक्ति नहीं होगी। बिल्कुल सही बात कही आपने ये। हाँ जी, तो सर मैं इसी के बारे में सर मैं आपसे एक टिप्पणी चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम, इस गेट टुगेदर और जयप्रकाश जी और उनकी फैमिली के बारे में, उनके बच्चों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सही में मतलब कलयुग में कि जैसे श्रवण कुमार अपना फर्ज निभाता है ऐसे है। हाँ जी। और ये दूसरे युवाओं के लिए भी प्रेरणादायक चीज़ है। हाँ जी। भाई हमें अपने बुजुर्गों का कैसे मान सम्मान करना चाहिए जिन्होंने हमारे को अपनी ज़िंदगी में संघर्ष करके इस काबिल बनाया है। इतना बड़ा प्रोग्राम, इतना बड़ा उत्सव जिसको कि हम सारे परिवार को सगे संबंधी को इकट्ठे कर रहे हैं, उनको अच्छा खाना खिला रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, उनके दिलों को मिला रहे हैं, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। कोई ठिकाना नहीं। ऐसे माहौल को जो बच्चे पैदा कर दे वो सर श्रवण कुमार से कम नहीं है। उसके माँ बाप की आँखों में जो खुशी के मैंने आंसू देखे ना, बस एक अजीब ही चीज़ थी। बहुत ही मतलब प्यारा। हर आदमी को एक ना वो एक शिक्षा दे गए वो बच्चे। हाँ जी। मतलब छोटे बच्चे आज बड़ों को सिखा रहे हैं, ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात। बिल्कुल बिल्कुल, छोटे बच्चे बड़ों को सिखा रहे हैं, ये जो लाइन सिंपल है लेकिन बहुत बड़ी है। और मैं इस बात में जयप्रकाश जी को भी बहुत वो देना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं ये उनके संस्कार हैं। संस्कार हैं। और कहीं ना कहीं ना जो बड़े माँ बाप कह देते हैं ना कि हमारे बच्चे गलत रास्ते पर चल रहे हैं। हाँ जी। उसमें माँ बाप का भी बहुत बड़ा रोल है। माँ बाप का बहुत बड़ा, क्योंकि वो उन्हीं को देख के फॉलो करते हैं, उन्हीं को देख के फॉलो। तो मैं ये कहता हूँ ये सब उनका प्रसाद है जो आज सबको बट रहा है खुशी के उत्सव के। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल जायज़ है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के दिलावर जी ने बहुत अच्छी बात की है कि संस्कार ही हमारी जड़ों को निखारते हैं, संवारते हैं। संस्कार के बिना कोई भी जीवन है, कोई भी बच्चे हैं, उनकी शाखाएं तितर बितर हो सकती हैं। तो कुल मिला के हम अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें जिससे कि हमारे बच्चे हमारे बुज़ुर्गों का आदर करें, सम्मान करें और बुढ़ापे तक उनका साथ ना छोड़ें, क्योंकि ये वट वृक्ष हैं। वट वृक्ष की छाँव में हम छोटे छोटे पौधे पनपते हैं। तो कुल मिला के सर थैंक यू वेरी मच। आपका भी इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ। हाँ जी। कि आप इन बातों को बहुत महत्व देते हैं ताकि समाज में इस तरह की संदेश जाए, इस चीज़ में मैं आपका भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि हम भी एक समाज के हिस्सा हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपका ये आप जैसे लोगों का योगदान रहेगा तो जो लोग देखेंगे इसको, हाँ जी, उनको बच्चों को प्रेरणा मिलेगी। बिल्कुल सर बिल्कुल, कल नए वो भी बुजुर्ग होंगे, हम भी होंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये सबके लिए एक अच्छा संदेश देने का आपका भी धन्यवाद। तो दोस्तों आइए जयप्रकाश जी से और उनके बच्चों से मिलते हैं, उनकी सोच कैसी है, चलिए मेरे साथ। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।
यहाँ पे पार्टी को देखा, आपने यहाँ पे डांस कर रहे हैं, झूम रहे हैं, जयप्रकाश जी का आज 75वां जन्मदिन है, खुशियाँ क्यों ना मनाएं। तो वो हमारे आदरणीय हैं, उन्होंने खाने का इतना प्यारा प्रोग्राम कर रखा है, बहुत सारी चीज़ें थी, हम बीच बीच में खाते रहे बताते रहे, लेकिन मैं आपके यहाँ पे खाने की बात कर रहा हूँ ज़रा। ये मलाई कोफ्ता, दाल मखनी और पाइनएप्पल रायता, थोड़ा सा सैलड लिया है मैंने, और साथ में है तवे की रोटी। ये देखिए बहुत ही शानदार रोटी है। देखिए अगर पैसा खर्च करते हैं तो क्वालिटी भी बनती है। तो फिलहाल मैं पहले टेस्ट करता हूँ मलाई कोफ्ता। गजब यार, मज़ा आ गया। अभी तो मैंने मलाई खाई है, कोफ्ता नहीं खाया, पर ये रायता है, पाइनएप्पल रायता, इसको टेस्ट करते हैं, मेरा फेवरेट है ये। अमेजिंग अमेजिंग, मज़ा आ गया। जैसा मैं चाहता हूँ ना, बिल्कुल वैसा ही, बिल्कुल वैसा ही। और ये दाल मखनी, यहाँ के शेफ वाकई जानदार हैं, वाकई में जानदार हैं, वेल ट्रेंड है, गजब है। पैसा जरूर लगा पार्टी में, लेकिन अल्टीमेट पार्टी, 10 में से 10 10 नंबर। मैंने आइसक्रीम भी खाई है, जलेबी भी खाई है, बहुत कुछ खाया है यहाँ पे, लेकिन मन नहीं भरा। चौसा नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। चौसा, पहले तो आपको आपके आज 75वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। और अब आप ये बताइए, आप इस 75वें जन्मदिन पर आप कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत ही बढ़िया महसूस कर रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, हाँ जी। कैसा लग रहा है आपको आज? बहुत ऐसा लग रहा है जैसे मैं 25 साल का हो रहा हूँ। 25 साल के? अच्छा जी, तो 25 साल, तो आज से पहले का तजुर्बा क्या रहा आपका? पहले आपने जन्मदिन मनाया था ऐसे कैसे, कभी? ना जी, कभी नहीं मनाया। कभी याद हो? ना जी, कभी नहीं मनाया। ऐसा कभी नहीं मनाया। तो दोस्तों, कुल मिला करके हम बैठे हैं SK पार्क ब्लू होटल में, और यहाँ पर हमारे जो चौधरी साहब हैं, श्री जयप्रकाश जी, जो कि पुठर से हैं, उनका आज 75वां जन्मदिन यानी कि डायमंड जुबली मनाई जा रही है। और ये है पूरा परिवार, कैमरामैन जरा दिखाओ जरा, ये पूरा परिवार है। ये भाई साहब हैं सुदेश जी, और ये छोटे सुपुत्र हैं संदीप जी, संदीप गंगर जी, ये अनिल गंगर जी हैं, ये इनके खास मित्र। आपका सर नाम? सुनील कुमार जी। और ये सुदेश गंगर जी हैं, और ये दमाजी, अपना नाम बताइए सर। अनूप राठी जी। आगे गुड़िया है रमन, आगे ये संदीप जी की वाइफ है, फिर बेटी है, और ये अनिल जी की वाइफ है, ये उनकी गुड़िया है। पूरा का पूरा संपूर्ण परिवार, घंगस परिवार यहाँ पर बैठा है और इस प्रोग्राम को सेलिब्रेट कर रहा है। 75वें वर्षगांठ, 75 साल इनके जन्मदिन को है, आज इनका जन्मदिन है। इतना प्यारा सुकून भरा माहौल है यहाँ पर कि पूछिए मत, मज़ा आ रहा है बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हमारे हरियाणा में या NCR में या ऑल ओवर इंडिया में बुज़ुर्गों की जो कंडीशन है वो आप सब जानते हैं, इतनी अच्छी कंडीशन नहीं है, क्योंकि जो जहाँ पे बुज़ुर्ग हमारे रहते हैं बेचारे, अनाथालय हैं वहाँ पर, तो ऐसी जगह है वहाँ पर उनको देख करके काफ़ी दर्द महसूस होता है। और ऐसे समय में अगर हम अपने बुज़ुर्गों की सेवा कर रहे हैं, उनके जन्मदिन मना रहे हैं, तो ये बहुत ही स्वागत की योग्य बातें हैं। तो मैं इन दोनों युवाओं को और इनके परिवार को मैं थैंक यू बोलता हूँ, बहुत बढ़िया। इससे हमारे समाज को एक प्रेरणा मिलती है कि हम अपने वट वृक्षों को, उनकी जड़ों को, हम उनकी छाया में रहें, उनको इज्जत दें, उनको प्यार दें। तो सबसे पहले मैं अनिल गंगर जी से बात करना चाहता हूँ। अनिल गंगर जी, आपने क्या सोचा कि पापा का जन्मदिन मनाने की आपने कब सोची, इसके विषय में पूरी जानकारी दीजिए हमें। आराम से बोले, एडिटिंग हम कर लेंगे। बच्चों का जन्मदिन तो सब मनाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्होंने हमारे 47 जन्मदिन मनाए, 47 जन्मदिन इन्होंने हमारे मनाए, 47 जन्मदिन मनाए जी, इसके 42 मनाए इनके 42। तो इसका मतलब ये 42 साल के, 47 साल की उम्र ही बता दी इन्होंने। ठीक है जी, आगे। तो फिर हमारा फर्ज बनता है, जब इतने जन्मदिन इन्होंने मनाए हमारे, तो हम भी इनका जन्मदिन अच्छे धूमधाम तरीके से मनाएं।
जी बिल्कुल जी। और हम तो ये चाहते हैं कि 100वां जन्मदिन भी मनाएं इनका। 100वां जन्मदिन भी मनाएं, ये सोच है, क्या बात है, बहुत अच्छी सोच है, बहुत बढ़िया सोच है सर। तो कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूँ कि ये कलयुग के शरवण कुमार हैं। कलयुग के शरवण कुमार सिर्फ नाम होने से नहीं, कर्मों से होता है। इसके लिए काम करना पड़ता है, बुज़ुर्गों की इज्जत करनी पड़ती है, उन्हें प्यार देना पड़ता है। जैसे हमारे माँ बाप हमें शैशवावस्था में हमें गीले से उठाकर खुद गीले में लेटते हैं और खुद और बच्चों को सूखे में सुलाते हैं, तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अपनी जड़ों की ओर लौटें, अपने बुज़ुर्गों को प्यार दें। और अब मैं छोटे भाई संदीप गंगा जी से पूछना चाहूँगा कि वो कैसे महसूस कर रहे हैं। संदीप जी आपका स्वागत है। एडिटिंग हम बाद में कर लेंगे ये हमारा काम है, अब बोलते रहिए। बहुत बढ़िया लगा। हाँ जी। और भाई ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे पापा ने बोला है कि भाई हाँ जन्मदिन मनाया जाए, तो मैंने कहा कि बिल्कुल क्यों नहीं, और बढ़िया से बढ़िया मनाया जाए। जो हमारी ये हो ना कि मतलब इसको बोलते हैं कि सभी ये कहें आने वाले आदमी जो भी मेहमान हैं कि भाई मज़ा आ गया, भाई जन्मदिन हमने ऐसा बहुत कम रेट और रेयर कोई देखा होगा। तो बढ़िया पार्क ब्लू होटल, बढ़िया सर्विस, सब कुछ बढ़िया, बस मज़ा आ गया। बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है, सच बात है, इससे बढ़िया कुछ हो भी नहीं सकता। तो होना भी चाहिए था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल होना भी चाहिए था। अब ये बताइए, आप पूरा विस्तार पूर्व विवरण दीजिए कि आपका गांव कौन सा है, आप कहाँ से हो, जड़ें कहाँ से हैं आपकी, आप संपूर्ण बताइए हमें। मैं गांव पुठर डिस्ट्रिक्ट पानीपत में पैदा हुआ जी 1983 में, और गाँव में तो बहुत कम रहे हैं, गाँव से बाहर ही रहे, कभी गाँव में रहे नहीं। हाँ जी हाँ जी। लेकिन गाँव से टच में जरूर रहे हैं कि भाई लगभग 4-5 महीने में गांव में एक चक्कर जरूर लगता है जी। और मेरे पापा तो हर महीने लगभग गांव में चक्कर मारते हैं जी जी। और ये तो साल में सारी जगह मतलब घूमते रहते हैं। बिल्कुल। इनका कोई वो नहीं है, कोई ना कोई, जहाँ जहाँ टीचर रहे हैं वहाँ वहाँ आते जाते रहते हैं, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती इनको, और सही बिल्कुल सभी के टच में रहते हैं। चाहे हम कभी आज से 40 साल पहले रहे हैं, आज भी वहाँ जाते हैं। 50 साल लगभग 55 साल के आसपास हो गया इनको इस टीचिंग लाइन में जब स्टार्ट किया था, तो आज भी वो पुराने गांव में कंटिन्यू जाते रहते हैं, रिश्तेदारियों में या वैसे जहाँ जहाँ, चाहे कोई करनाल डिस्ट्रिक्ट है चाहे कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट है, तो सभी में अच्छा लगता है। कुल मिला के बहुत ही ज़्यादा सामाजिक हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम से भरे हुए इंसान हैं। तो सर अब ये बताइए सर, आपकी पोस्टिंग पहले कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ तक होती रही, आप अपने सफ़र के बारे में बताइए। मेरी पहली पोस्टिंग जो है वो अगस्त 76 में हुई थी, जिस टाइम मेरा बड़ा बेटा 1 साल का भी नहीं हुआ था जी। 76 में पहली पोस्टिंग 76 जी घनसोली गांव में हुई थी, जो पानीपत डिस्ट्रिक्ट पानीपत घनसोली गांव में जी जी। फिर तो उसके बाद मैं करनाल डिस्ट्रिक्ट में पंगाड़ा गांव है जी जी, सासंद के पास, वहाँ रहा जी। उसके बाद एक उधर इंजरी से आगे है शेरगढ़ थोड़ी, वहाँ रहा। उसके बाद मैं बाढ़ जाटान रहा जी 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 जी। बाढ़ जाटान कोई नहीं। से पहले मैं उड़ान रहा जी जी जी। 6 साल तो लास्ट में कहाँ थे लास्ट में? फिर उसके बाद मैं 6 साल में उड़ान रहा, 4 साल में बाढ़ जाटान रहा, उसके बाद 6 साल में पाडा रहा। हाँ। फिर 8 साल में रिफाइनरी के साथ गांव है सिंहपुरा सिठाना में रहा। सबने सर्विस के कुछ अनमोल पल बताओ जरा, आपने मतलब कहाँ कहाँ कैसे कैसे, मतलब थोड़ा सा अनमोल सा कोई याद होगा, यादगार लम्हा रहा हो कुछ आपकी जॉब का, पूरा कोई यादगार लम्हा? जॉब में बड़े स्वाभिमान से बड़ी इज्जत से सर्विस की जी जी, जहाँ भी रहे हाँ, चाहे वो किसी भी समाज के लोग थे, किसी भी बिरादरी के थे, टीचर साथी हमारे हाँ जी, हाँ जी, तो उन्होंने बहुत मान सम्मान दिया हमेशा, और ऐसा दिया जैसे हमारी ही चलती थी जी जी जी। चाहे हम एक अकेले थे और बाकी दूसरी कम्युनिटी के थे 5-6 भी, फिर भी हमें कोई दिक्कत नहीं आती थी, वो हमारी ही ऐसा लगता है जैसे हमारी ही चलती है, हमारी चलती है। हाँ जी जी जी। और काम करने में कभी कोताही नहीं की, ना काम कर रहे कभी
काम से जी चुराया। हाँ जी। अगर अब काम याद आ गया तो अभी कर देना। जी जी। बच्चे आज भी ये कहते हैं कि हो जाएगा क्या जल्दी है, लेकिन इन्हें आदत ऐसी बनी हुई है कि इनकी माँ ने भी कभी एक ये चीज़ चाहिए उसी टाइम तुरंत आ जानी चाहिए। जी जी जी। तो अपना ये विचार रहा कि भाई आज का काम कल पर मत छोड़ो। सर, मैं आपकी धर्मपत्नी जी के बारे में जानना चाहूँगा। हाँ जी। कि वो मतलब आपकी मतलब कब शादी हुई थी, फिर कब बच्चे हुए, कब उनका 73 में मेरी शादी हुई थी। हाँ जी। 73 के बाद उनकी पढ़ाई चल रही थी। उनका शुभ नाम क्या था? उनका नाम विद्यावती था। हाँ जी जी। उनकी पढ़ाई चल रही थी उस टाइम। अच्छा जी जी। तो जैसे देहात में रिवाज होता है, उनकी उम्र सारी 17 साल की थी। अच्छा। उस टाइम उनका 56 का जन्म है, 73 में शादी हो गई थी, 17 साल की उम्र थी। हाँ जी। तो 2-3 साल का की गुंजाइश थी उस टाइम, वो गुरुकुल में पढ़ाई कर रही थी। तो फिर मैं इमरजेंसी में अंदर चले गए। अच्छा, हाँ, जेल में भी गए? हाँ हाँ, जेल में चले गए इमरजेंसी में। अच्छा। हाँ, वहाँ कितने दिन अंदर रहे सर आप? 3 महीने रहे करनाल जेल में। फिर तो आपको पेंशन मिलती होगी? हाँ हाँ, मिलती है, 10,000 रुपये पेंशन गवर्नमेंट देती है। देती है? हाँ, पर मंथ की। दो दो पेंशन? हाँ जी, मुबारक हो। हाँ जी हाँ जी। और भगवान ने इतनी पेंशन दे रखी है, मेरे खत्म ही नहीं होती। हाँ जी। मेरे को कभी ये नहीं लगता कि पैसे की कमी है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इतना जो है उसी में संतोष रहता है। हाँ जी हाँ जी। फिर 75 में एमरजेंसी लगी थी, 3.5 महीने के बाद हम NDRI 33,000 हमारे ऊपर लगाई गई थी। अच्छा। रूटीन में वो ख़त्म होगी। अच्छा। किसी उस में किसी की कोई जमानत नहीं थी, किसी को कोई छूट नहीं थी। हाँ, काफ़ी काफ़ी काला समय था वो। हाँ, मेरे दादाजी जो हैं जी। वो आर्य समाजी थे, बहुत पक्के, और कांग्रेसी थे उस टाइम के। अच्छा। और बड़ी इज्जत करते थे लोग उनकी। हाँ जी हाँ जी। तो MLA भी उनको को अपने गुरु मानते थे, चौधरी मनसाराम MLA होते थे। अंजे, अंजे, वो उनके पास गए, भाई पोते को ऐसे अंदर कर दिया। हमारे परिवार में इस तरह का कोई कारण ही नहीं था कि हम थाना तहसील जेल देखें। जी जी। क्योंकि परिवार की बैकग्राउंड सराफत की थी, किसी छोड़ देने की नहीं थी, न कोई गलत काम करने की। आपको का परिवार आपका तो अंजे, काफी पढ़ी लिखी फैमिली है आपकी। जो हमारे संस्कार, हमारे बुजुर्गों के संस्कार, वो हमारे आज भी काम आ रहे हैं। उनकी बनाई हुई इज्जत के आड़ में हमें बहुत इज्जत मिलती है। जी जी जी। तो वहाँ से आने के बाद, उस टाइम में गीता स्कूल में था, जिस टाइम जेल में गया, कुरुक्षेत्र। हाँ, कुरुक्षेत्र गीता स्कूल का सारा स्टाफ जी 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 अंदर हो गया था। यूनिवर्सिटी के लेक्चरर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, वकील, बुद्धिजीवी लोग सारे अंदर चले गए थे। अच्छा अच्छा। और जेल का जो समय है हमारा, वो ऐसा मतलब बढ़िया रहा, इतने बढ़िया दिन कटे, ऐसे ससुराल में भी नहीं कटते। क्या बात। मैं सही कह रहा हूँ, क्योंकि जितने लोग वहाँ अंदर थे, मेरे घर से अगर 2 किलो मिठाई गई है तो उसको मैं नहीं खाऊंगा। अच्छा। वो एक बना हुआ था लेंटर सा, उसके ऊपर रख दी सबके फ्रूट है, मिठाइयाँ हैं। अच्छा। हमने कभी भी जेल में बिना मिठाई की चाय नहीं पी। अच्छा। और जेल को ससुराल बना रखा था आपने। हाँ, क्या बात। तो जो वहाँ पर जो हमें किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई, जेल का नाम जरूर था, हमें स्पेशल नौकर का वो मुशक्ति का, उनको जेल उसको मुशक्ति बोलते हैं। हाँ, वो मिले हुए थे, वो हमारा खाना अलग बनाते थे। अच्छा अच्छा। और हमारे जेल के जो साथी थे हमारे साथ में ही, उनसे निकलने के बाद 4 तो MLA बन गए थे। जेल से निकलते ही MLA। जेल से निकलने के बाद जो इलेक्शन आया, क्या क्या नाम था जी उनका? लहरी सिंह थे। अच्छा। जो SC थे वो रादौर से बने थे, और रघुनाथ जी थे, लाला रघुनाथ जी कैथल से बने थे जी। और एक गोहड़ीपुर के मास्टर जी थे जी। उनका नाम और एक थोड़ा वो हो रहा है। अच्छा। वो MLA बने थे। ये एमरजेंसी थी कब जी? इसका बिल्कुल सही समय 75 में थी ये। कितने दिन के लिए रही थी? 2 साल रही थी, 77 तक। 75 से 77 तक। शर्मा जी भी थे जी? हाँ, रामविलास शर्मा जी हमारे जेल में तो थे, लेकिन हमारे ग्रुप में नहीं थे। हमारे ग्रुप में मतलब हमारे प्रिंसिपल थे, मास्टर थे, और यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। अच्छा अच्छा। बुद्धिजीवी लोग थे जी, जी। और वहाँ डेली शाखा लगती थी, डेली व्यायाम होता था, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी हमें। शाखा RSS की? हाँ जी। अच्छा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक से जुड़े थे आप? हाँ हाँ हाँ। अच्छा। क्योंकि वो जो स्कूल था जी, वो RSS का मैनेजमेंट था, उसमें इसलिए हम अरेस्ट हुए थे। आपातकाल जो है 29, ये जी लेखा जोखा। हाँ। है इनकी पूरी पत्री है। हाँ जी। ये आपातकाल जो है 29 अप्रैल 75 को लगी थी,
और 30 जून 77 तक ये रहा था। अच्छा। मैं 15/9/75 से 18/12/75 तक मैं खुद अंदर रहा था। जी जी जी। हाँ, और वो पल ऐसा था, मेरी शादी हुई थी, गौना नहीं हुआ था। अच्छा। और वो रिश्तेदार इतने अच्छे थे। जी जी। तो मैं था भी नहीं, और घर में खेती बाड़ी थी, परिवार में वालों ने कहा कि काम नहीं चल रहा। मेरे भाई गया और उसके साथ उन्होंने भेज दिया, जो कि गोना भी नहीं हुआ था। जी जी जी। आजकल तो कहते हैं ना भाई, लड़का आएगा तो हम भेजेंगे। हाँ, हाँ, लेकिन हाँ। मैं नहीं था, वो फिर भी हाँ, पहले बड़े बुजुर्ग या भाई अगर चला जाता मुझे तो मुझे मुझे दिक्कत नहीं थी, लेकिन परिवार वालों को दिक्कत थी। मेरी पत्नी गोना आने से पहले मेरे से जेल में मिलने जाती थी, 15 दिन के बाद मुलाकात होती थी। अच्छा, जाते थे आपसे मिलने? बिल्कुल, परिवार के साथ। परिवार के साथ। हाँ, तो क्योंकि वो हमारे घर आई हुई। मैं आपको ये कहना चाहूंगा, ये भी एक मोहब्बत की इंतहा थी, ये तो देख लीजिए आप। नहीं, मोहब्बत की इंतहा के साथ साथ मैं समाज का ऐसा ताना बाना था, विरोध नहीं था। विरोध नहीं ये था, मैं क्यों जाऊँ? जागरूक थे, पढ़े लिखे थे। वो तो है नहीं घर पे, मैं क्यों जाऊँ? वो बात, वो जवाब दे, इस तरह की बात नहीं थी। परिवार ने जो कुछ कह दिया वो मान लिया, मान लिया, ऐसा था, ऐसा था। तो और वो पल का अंदाजा लगाओ, जिस लड़की के जिस पत्नी का गौना तक नहीं हुआ है, वो ससुराल में आई हुई है, और 15 दिन के बाद जो हस्बैंड की मुलाकात होती है जज के सामने, तो वो मिलने के लिए वहाँ जाती है हर 15वें दिन परिवार के साथ, उसके दिल पर क्या बीतती होगी? मेरे को इतनी तकलीफ नहीं थी जितनी परिवार को तकलीफ थी। लोग कहते हैं कि भाई आपको तो 10,000 रुपया आपने क्या किया था, वहाँ पर पेंशन मिलती है, लेकिन आप वो पल देखो ना, जब मेरा परिवार वो किस दौर से गुजर रहा था, जिन्होंने कभी थाना तहसील का मुंह तक नहीं देखा, उनका बच्चा बिना किसी कारण के, बिना कसूर के अंदर जेल में, और वहाँ पे क्रांतिकारी जेल में है। हाँ, उनकी पत्नी जो है वो 15वें दिन वहाँ मिलने के लिए जाती। सर, वैसे आप इल्ज़ाम क्या लगाया गया था? इल्ज़ाम ये था भाई, सरकार का विरोध कर रहे हैं। एमरजेंसी का मतलब ये था कि भाई इंदिरा ने एमरजेंसी लगाई थी, सब मतलब ये इनकी एक्टिविटी जो सरकार से, प्रशासन से मैच नहीं कर रही, विरुद्ध है। हाँ, विरुद्ध है। अच्छा, तो ये था उस पर, वो सारा झूठा था। उन्होंने केस ऐसा बना था, मैं हॉस्टल इंचार्ज भी था, उन्होंने कहा कि जी हमें हॉस्टल के कुछ त्रिपाल वगैरह लेने गए थे, वहाँ पर ये ऐसे भाषण दे रहे थे, ऐसे ऐसे मीटिंग कर रहे थे, सारा झूठा उनका वो था, एक प्लानिंग थी, जैसे जी पुलिस बनाती है केस, रस्ते का सांप बढ़ाने वाली जो पुलिस का होता है वही था, उसमें कुछ नहीं था। तो मेरे दादा जी एमएलए को लेकर के चंडीगढ़ बंसीलाल के पास गए। अच्छा। तो बंसीलाल ने कहा कि जी ताऊ जी, कुछ नहीं हो सकता किसी का भी, ये रूटीन में जो है ना, जो धारा लगी हुई है रूटीन में, अपने आप हो जाएगा, वैसे उसका बिगड़ता कुछ नहीं है, ना कोई टॉर्चर करने वाली बात है, ना हमारे को किसी ने ऐसे बात तक नहीं बोला। जी 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 जी। जेल में भी मतलब हमारे को सम्मान दिया उन्होंने, जेलर ने भी सम्मान दिया। हाँ, सारी सुविधा थी, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन परिवार को दिक्कत ये थी कि भाई उनको, वो तो उनको ये नहीं पता था क्या होगा, डर था, खौफ था। हाँ, उनको तो ये नहीं पता ना भविष्य में क्या होगा। जी जी, कि भाई जेल में गए पता नहीं क्या होगा, कब आएंगे, क्या नहीं होगा, ये था। तो सर कुल मिला करके सर, उसके बाद मेरे को आने के बाद, जेल से आने के बाद इमरजेंसी खत्म होगी, बीता स्कूल वालों ने मेरे को ऑफर दिया कि आपको भी और आपकी पत्नी को भी, क्योंकि वो भी उन्होंने उस टाइम गवर्नमेंट से एंटिटी की हुई थी 73 में गुरुकुल खानपुर से, बोले दोनों को जेबीटी पोस्ट पर हम रख लेंगे, आप यहाँ आ जाओ, यहाँ जाओ। लेकिन दिमाग में मैं गवर्नमेंट जॉब में आ चुका था, गवर्नमेंट वाले दिमाग में थी भाई घर के नज़दीक रहेंगे, जैसी हमारी सोच थी उस टाइम की, वो सोच आज तो ऐसा लगता कि बढ़िया नहीं थी, क्योंकि अगर कृषि क्षेत्र रहते तो हमारे बच्चे कुछ और होते, और वहाँ जो लोग वहाँ रहे वो बहुत आगे बढ़ गए, क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट की साथ में थी, सारी सुविधाएँ थी, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जो किस्मत में, सर आज भी आप पीछे नहीं हो, आज देखिए आपका पूरा परिवार आपके साथ है। मेरी पत्नी के बारे में आप पूछ रहे थे, उन्होंने 73 में जेबीटी के इंटरव्यू दिए, उसमें उनका सिलेक्शन हो गया, लेकिन परिवार को वो ठीक नहीं लगी बात है, और वो उसमें नहीं जा सकी घर के काम के लिए, घर के काम के लिए, खेती बाड़ी से लेकर। हाँ, मेरे पिताजी ये कहते थे आप सर्विस का क्या करोगे, आप क्या, आपके 3 भाइयों हैं, 3 भाभी उनकी पत्नियाँ हैं, सारे आपके नौकर तो हैं, जैसे उनकी सोच थी। लेकिन आज के दौर में कोई किसी का नौकर नहीं था, सब आप अपने वो होते हैं। सही बात, बिल्कुल। लेकिन फिर भी उसके बाद आज भी मैं ये महसूस करता हूँ कि सर्विस में नहीं गई कोई बात नहीं, मतलब मेरे को पछतावा नहीं है, क्योंकि उसने जो है ना, जो मेरे को साथ दिया, जो यहाँ तक हम पहुँचे, परिवार को बांध के रखा, परिवार को बांध के रखा। और लोग कहते हैं औरत पैर की जूती होती है, लेकिन मैं उसको गुरु मानता हूँ।
अच्छा, उसका स्वभाव मेरे से बढ़िया था, सामाजिक मेरे से ज्यादा थी। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। कुल मिला के जीवन साथी की कभी भी ऐसी नेगेटिव बात नहीं की परिवार के बारे में, समाज के बारे में, अपने स्वार्थ में, कि जिसमें मुझे नीचा देता है। कुल मिला करके सच्चाई ये है, जीवन साथी की याद आ जाती है, बहुत साथ दिया उन्होंने। सर उनका स्वर्गवास कब हुआ? 19 जनवरी 2018 को वो इस दुनिया से चली गई। तो कुल मिला करके मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि अपने बड़े बुजुर्गों की इज्जत कीजिए, उन्हें प्यार दीजिए, वो वट वृक्ष हैं, उनकी छाया में रहिए। तो इसी के साथ मैं विराम देना चाहूँगा। बुजुर्गों की इज्जत की बात है, हाँ जी, मैं ये मानता हूँ भगवान सबको ऐसे औलाद दे जैसे मेरे को दी। क्या बात है। मन से निकली आवाज़ बहुत दूर तक जाती है दोस्तों। तो कुल मिलाकर ये है कि क्या कहा इन्होंने कि जैसी औलाद मुझे दी है भगवान ऐसी सबको दे। तो मैं इसी के साथ विराम लेना चाहूँगा और ये संदेश देना चाहूँगा समस्त भारत, समस्त हरियाणा, समस्त NCR को कि बड़े बुजुर्गों की इज्जत कीजिए, प्रेम दीजिए, उनके पास और कुछ नहीं है, उन्हें सिर्फ आपके दो शब्द चाहिए। तो दोस्तों अब मैं आपसे विदा लूँगा, अब मैंने इनका खाना छुड़वा रखा था, अब इनको खाना खिलाएंगे। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, ओम नमः शिवाय। मिलते हैं अगले व्लॉग में।